एक नगर के राजा चंद्र के पुत्रों को बंदरों से खेलने का व्यसन था। बंदरों का सरदार भी बड़ा चतुर था। वो सब बंदरों को नीति शास्त्र पढ़ाया करता था। सब बंदर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। राजपुत्र भी उन बंदरों के सरदार वानरराज को बहुत मानते थे। उसी नगर के राजगृह में छोटे राजपुत्र के वाहन के लिए कई मेढ़े भी थी। उनमें से एक मेढ़ा बहुत लोभी था। वो जब भी जी चाहे तब रसोई घर में घुसकर सब कुछ खा लेता था। रसोइये उसे लकड़ी से मारकर बाहर निकाल देते थे। वानरराज ने जब ये कलह देखा तो वो चिंतित हो गया। उन्होंने सोचा कि ये कलह किसी दिन सारे बंदर समाज के नाश का कारण हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन कोई नौकर इस मेढ़े को जलती लकड़ी से मारेगा उसी दिन ये मेढ़ा घुड़साल में घुसकर आग लगा देगा। इससे कई घोड़े जल जाएंगे और जलन के घावों को भरने के लिए बंदरों की चर्बी की मांग पैदा होगी और तब हम सब मारे जाएंगे। इतनी दूर की सोचने के बाद उसने बंदरों को सलाह दी कि भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम सभी वानरों को राजगृह त्याग कर देना चाहिए। किंतु उस समय बंदरों ने उसकी बात को नहीं सुना। राजगृह में उन्हें मीठे मीठे फल मिलते थे, उन्हें छोड़कर वे कैसे जाते। उन्होंने वानरराज से कहा कि बुढ़ापे के कारण तुम्हारी बुद्धि मंद पड़ गई है। हम राजपुत्र के प्रेम, व्यवहार और अमृत समान मीठे फलों को छोड़कर जंगल में नहीं जाएंगे। वानरराज ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मूर्खो, तुम इस लोभ का परिणाम नहीं जानते। यह सुख तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। वानरराज जाने के बाद एक दिन वही बात हो गई जिससे वानरराज ने वानरों को सावधान किया था। एक लोभी मेढ़ा जब रसोई में गया तो नौकरों ने जलती लकड़ी उस पर फेंकी। मेढ़े के बाल जलने लगे। वहाँ से भागकर वो अश्वशाला में घुस गया। उसकी चिंगारियों से अश्वशाला भी जल गई। कुछ घोड़े आग से जलकर वही मर गए। कुछ रस्सी तुड़ाकर शाला से भाग गए। तब राजा ने पशु चिकित्सा में कुशल वैद्यों को बुलाया और उन्हें आग से जले घोड़ों की चिकित्सा करने के लिए कहा। वैद्यों ने आयुर्वेद शास्त्र देखकर सलाह दी कि जले घावों पर बंदरों की चर्बी की मरहम बनाकर लगाई जाए। राजा ने मरहम बनाने के लिए सब बंदरों को मारने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने सब बंदरों को पकड़कर लाठियों और पत्थरों से मार दिया। वानरराज को जब अपने वंशज का समाचार मिला तो वो बहुत दुखी हुआ। उसके मन में राजा से बदला लेने की आग भड़क उठी। दिन रात वो इसी चिंता में घुलने लगा। आखिर उसे एक वन में एक ऐसा तालाब मिला जिसके किनारे मनुष्य के पदचिन्ह थे। उन चिन्हों से ये मालूम होता था कि इस तालाब में से जितने मनुष्य गए सब मर गए, कोई वापिस नहीं आया। वो समझ गया कि यहाँ अवश्य कोई नरभक्षी मगरमच्छ है। उसका पता लगाने के लिए उसने एक उपाय किया। कमलनाल लेकर उसका एक सिरा उसने तालाब में डाला और दूसरे सिरे को मुख में लगाकर पानी पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसके सामने ही तालाब में से एक कंठहर धारण किए हुए मगरमच्छ निकला। उसने कहा, इस तालाब में पानी पीने के लिए आकर कोई वापस नहीं गया। तूने कमल नल द्वारा पानी पीने का उपाय करके विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया है। मैं तेरी प्रतिभा पर प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा मैं दूंगा, कोई भी एक वर मांग ले। मगर राज, तुम्हारी भक्षण शक्ति कितनी है? जल में मैं सैकड़ों सहस्रों पशुओं या मनुष्य को खा सकता हूँ, पर भूमि पर एक गिद्धड़ भी नहीं। एक राजा से मेरा वैर है। यदि तुम यह कंठहार मुझे दे दो तो मैं उसके सारे परिवार को तालाब में लाकर तुम्हारा भोजन बनवा सकता हूँ। मगरराज ने कंठहार वानरराज को दे दिया। वानरराज कंठहार पहनकर राजा के महल में चला गया। उस कंठहार की चमक धमक से सारा राजमहल जगमगा उठा। राजा ने जब वो कंठहार देखा तो पूछा, वानरराज, ये कंठहार तुम्हें कहाँ से मिला? राजन, यहाँ से दूर वन में एक तालाब है। वहाँ रविवार के दिन सुबह के समय जो गोता लगाएगा उसे कंठहार मिल जाएगा। राजा ने इच्छा प्रकट की कि वो भी समस्त परिवार तथा दरबारियों समेत उस तालाब में जाकर स्नान करेगा, जिससे सबको एक एक कंठहार की प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित दिन राजा समेत सभी लोग वानरराज के साथ तालाब पर पहुँच गए। किसी को यह नहीं सूझा कि ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। लोग सबको अंधा बना देता है। सैकड़ों वाला हजारों चाहता है, हजारों वाला लाखों की इच्छा रखता है, लक्षपति करोड़पति बनने की धुन में लगा रहता है। मनुष्य का शरीर जीर्ण हो जाता है लेकिन लोभ सदा जवान रहता है। राजा का लोभ उसे उसके काल के मुख तक ले आया। सुबह होने पर सब लोग जलाशय में प्रवेश करने को तैयार हुए। वानरराज ने राजा से कहा, राजन, आप थोड़ा ठहर जाए,
पहले और लोगों को कंठहार लेने दीजिए। आप मेरे साथ जलाशय में प्रवेश कीजिएगा। हम ऐसे स्थान पर प्रवेश करेंगे जहाँ सबसे अधिक कंठहार मिलेंगे। जितने लोग जलाशय में गए सब डूब गए, कोई ऊपर नहीं आया। उन्हें देरी होती देख राजा ने चिंतित होकर वानराज की ओर देखा। वानराज तुरंत वृक्ष की ऊंची शाखा पर चढ़कर बोला, महाराज तुम्हारे सब बंधु बांधवों को जलाशय में बैठे राक्षस ने खा लिया है। तुमने मेरे कुल का नाश किया था, मैंने तुम्हारा कुल नष्ट कर दिया। मुझे बदला लेना था जो मैंने ले लिया। जाओ राजमहल वापस चले जाओ। राजा क्रोध से पागल हो रहा था, किंतु अब कोई उपाय नहीं था। वानरराज ने सामान्य नीति का पालन किया था। हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से और दुष्टता का उत्तर दुष्टता से देना ही व्यावहारिक नीति है। राजा के वापस जाने के बाद मगरराज तालाब से निकला। उसने वानरराज की बुद्धिमता की बहुत प्रशंसा की। धर्मपुर नाम के गांव में एक राजू नाम का लड़का रहा करता था। वो जन्म से ही अनाथ था, इसीलिए उसको खुद का गुजारा खुद ही करना पड़ता था। राजू हर रोज भीख मांगकर अपना गुजारा किया करता था। एक दिन राजू के मन में विचार आता है, अगर मैं प्लास्टिक की बोतल जमा करके बेचूं, तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। ऐसा मन में सोचकर राजू प्लास्टिक की बोतल जमा करने लगा। कभी बस्ती में जाता तो कभी रेलवे स्टेशन पर चला जाता और बहुत सारी प्लास्टिक की बोतल लाकर दुकानदार को बेचकर पैसे जमा करता था। एक दिन राजू रेलवे स्टेशन पर बोतल जमा कर रहा था, तभी एक औरत एक बच्ची को लेकर वहां से चली जा रही थी। राजू उसके पास भागते हुए गया और उसे उठाने लगा, मगर वो कब की इस दुनिया से जा चुकी थी। दूर एक जगह एक छोटी बच्ची रो रही थी। वो उस औरत की बेटी थी। उसे देखकर राजू को खुद का जीवन याद आ गया, क्योंकि वो भी एक अनाथ था। फिर राजू मन में कुछ सोचकर उस बच्ची को उठा लेता है और उसे अपने घर लेकर चला जाता है। उसके घर जाते ही राजू उसे शांत कराता है और उसे कुछ खाने के लिए दे देता है। तभी राजू उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शिवानी है। भूख लगने की वजह से शिवानी जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। तभी शिवानी राजू को आवाज देती है, भैया मेरा हो गया। ये शब्द सुन राजू का दिल भर आया। आज उसके जिंदगी में कोई था जिसने उसे भाई कहा था। तभी से राजू ने मन ही मन ठान लिया कि अब से इस लड़की की जिम्मेदारी मेरी है। मैं मेरी बहन को अच्छा पढ़ाऊंगा और उसे उसके पैरों पर खड़ा करूंगा। ऐसा मन में सोचकर राजू शिवानी से, शिवानी तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ के सिवा कोई नहीं भैया। शिवानी आज से तुम मेरे साथ रहोगी। हाँ भैया मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये बातें शिवानी के मुँह से सुनकर राजू बहुत खुश हो गया था। आज वो अनाथ नहीं था, उसकी जिंदगी में उसकी बहन आ गई थी। उसके जीने को जैसे मकसद मिल गया था। अब राजू हर रोज बाहर प्लास्टिक जमा करने के लिए जाता था और शिवानी घर पर रहा करती थी। अब राजू भी छोटे मोटे काम कर लिया करता था। ऐसे ही दोनों के दिन गुजर जाया करते थे। अब एक दिन राजू शिवानी को लेकर खाने का सामान लाने के लिए दुकान में गया। तभी दुकानदार से, चाचा मुझे 1 किलो चावल और 1/2 किलो दाल दे दीजिए और 1 दूध का पैकेट भी। दुकानदार राजू को सारी चीजें दे देता है और राजू उसे पैसे देकर घर जाने के लिए निकलता है। तभी शिवानी एक जगह देखते हुए दिखाई देती है। वो स्कूल के बच्चों को देख रही थी। उसे ऐसे देख राजू उससे कहता है कि, शिवानी क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो? हाँ भैया मैं पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है शिवानी, मेरे पास थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे ना, तब मैं तुम्हारा स्कूल में दाखिला करवाऊंगा। सच में भैया मैं भी स्कूल जाऊंगी। हाँ शिवानी। अब दोनों घर चले जाते हैं। तभी राजू जल्दी जल्दी चूल्हे पर खाना बनाता है और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अब राजू जब उठता है तो उसके दिमाग में पैसे कहाँ से लाऊं ऐसे विचार आते हैं। राजू घर से बाहर निकलता है और चलते चलते एक दुकान के सामने आ जाता है। वहाँ एक बोर्ड पर लिखा था, काम के लिए लड़का चाहिए। ये देख राजू उस दुकान में चला जाता है। राजू दुकानदार से, साहब आपके यहाँ काम करने के लिए कोई लड़का चाहिए था? हाँ मुझे एक लड़का दुकान में काम करने के लिए चाहिए था जो कि मेरी मदद कर सके। साहब अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं ये काम करना चाहता हूँ। बेटे अभी तुम बहुत छोटे हो, नहीं मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। बच्चों को काम पर रखना कानूनी जुर्म है। साहब मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे ये काम करने दीजिए ना। बेटा मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता और तुम्हें काम का भी अनुभव नहीं है। साहब आप काम बता देना, मैं मन लगाकर सब काम कर लूंगा। कृपा करके मुझे ये नौकरी दे दीजिए।
दुकानदार राजू की बिनती देख उसे अपने दुकान में काम करने के लिए हाँ कह देता है। वो एक किराने का दुकान था और उस दुकान के मालिक का नाम था रवि सेठ। राजू अब घर चला जाता है और शिवानी से, शिवानी मुझे एक दुकान में काम मिल गया है, अब मैं तुम्हारा दाखिला स्कूल में कर सकता हूँ। सच में भैया, मैं बहुत खुश हूँ। रवि सेठ बड़ा ही दयालु था, उसे राजू की दया आने लगी। वो उसे दुकान के तौर तरीके सिखाने लगा और देखते ही देखते काम करते करते उसे एक महीना पूरा हो गया था और राजू को पूरे महीने की तनख्वाह 2,000 रुपए मिली थी। ये देख राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू पोंछकर घर चला जाता है। घर जाते ही राजू ये खुशखबरी शिवानी को सुनाने के लिए आवाज देता है। शिवानी, शिवानी कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ भैया, मैं यहाँ हूँ, कहो क्या कहना चाहते हो। शिवानी मेरी पहली तनख्वाह हुई है, चलो अब हम स्कूल देखने चले जाते हैं, पहले स्कूल का एडमिशन कर लेंगे। सच में भैया, चलो। राजू और शिवानी बहुत सारे स्कूल देखते हैं, मगर फीस ज्यादा होने के कारण कोई उनका एडमिशन नहीं लेता और कई स्कूल में उनके पालक नहीं है, इसलिए उन्हें एडमिशन नहीं मिलता। ये सब देख राजू बहुत दुखी हो जाता है। उसे अब एक ही रास्ता दिखाई देता है। वो कुछ सोच कर रवि सेठ के यहाँ चला जाता है। वहाँ जाकर रवि सेठ से, सेठ जी मुझे आपसे कुछ काम था, क्या आप मेरी मदद कर देंगे? हाँ हाँ बोलो ना राजू, क्या हुआ है? सेठ जी मेरी बहन की स्कूल में एडमिशन करनी थी, इसलिए मैं यहाँ आया। मैं बहुत सारे स्कूल में गया मगर मेरी बहन को किसी ने एडमिशन नहीं दी, आपकी मदद हो जाती तो बड़ी कृपा होती। चल मैं अभी तेरी बहन का एडमिशन करवा देता हूँ, आओ मेरे साथ। राजू और शिवानी रवि सेठ के साथ चले जाते हैं। रवि सेठ एक स्कूल में जाकर प्रिंसिपल से मिलते हैं। रवि सेठ प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल सर मैं यहाँ का दुकानदार हूँ, ये बच्चा मेरे यहाँ काम करता है, इसकी बहन पढ़ना चाहती है तो इसे स्कूल में एडमिशन करना है। इन बच्चों के कुछ डॉक्यूमेंट है या इनके माता पिता यहाँ है? अरे सर मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूँ, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तुम इस लड़की का एडमिशन करवा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है सेठ जी, आप कह रहे हो और आप इनकी जिम्मेदारी ले रहे हो तो मैं इन्हें स्कूल में एडमिशन दिलवा देता हूँ, फीस 2,000 रुपए लगेगी। जी चलेगा सर, ये कब से स्कूल में आ सकती है? कल से ही भेज दीजिए, स्कूल एक महीने पहले ही शुरू हो गया है इसलिए कल से ही स्कूल में आने के लिए बताइए। धन्यवाद सर, अब मैं चलता हूँ। जी। ऐसा कहकर रवि सेठ स्कूल से बाहर आ गए और बाहर आते ही राजू को स्कूल का टाइम बता देते हैं और उसे स्कूल के कपड़े खरीद कर दफ्तर ला कर देते हैं और राजू से, राजू बेटा मैंने तुम्हारे बहन का एडमिशन करवा दिया है, अब तुम इसे कल से स्कूल में लेकर आना, ठीक है? ठीक है मालिक। मालिक मैं आपके पैसे थोड़े थोड़े करके सब चुका दूंगा। राजू बेटा मैंने तुमसे पैसे मांगे हैं कभी? रहने दो। नहीं मालिक, मैं आपके सारे पैसे आपको वापस कर दूंगा। ठीक है दे देना, मगर अब चलो घर जाओ, कल से इसे स्कूल लेकर आना है और दुकान भी तो आना है तुम्हें। हाँ सेठ जी मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर राजू और शिवानी वहाँ से चले जाते हैं। अब घर आकर राजू शिवानी से, देखा शिवानी मालिक कितने अच्छे है, हमारी मदद कर दी उन्होंने। हाँ भैया मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि मैं स्कूल में पढ़ने जाऊंगी। चलो शिवानी हमें आज जल्दी जल्दी सब काम निपटाने पड़ेंगे और कल सुबह उठकर मुझे काम पर भी जाना है और तुम्हें स्कूल भी, चलो जल्दी जल्दी। हाँ भैया चलो। ऐसा कहकर दोनों घर के काम कर डालते हैं और अगले दिन राजू शिवानी को लेकर स्कूल चला जाता है। उसे स्कूल में छोड़कर वो दुकान के लिए निकल जाता है। अब शिवानी स्कूल में जाकर अपने क्लास में बैठ जाती है और इधर राजू दुकान में आकर काम करने लगता है। तभी रवि सेठ दुकान में आकर राजू से, राजू छोड़ा है तुम्हारे बहन को स्कूल में? हाँ मालिक मैं उसे अभी छोड़कर आया हूँ। अच्छा राजू क्या तुम पढ़ाई नहीं करना चाहते? मैं भी पढ़ाई करना चाहता हूँ मगर मेरी बहन पहली पढ़ेगी, बाद में मैं पढ़ूंगा। कितने अच्छे विचार है तुम्हारे, अगर तुम चाहो तो तुम भी स्कूल जा सकते हो। मैं अगर स्कूल में चला जाऊंगा तो दुकान में काम कौन करेगा मालिक? तुम ही काम करना, दुकान से जाने के बाद रात के स्कूल में तुम पढ़ सकते हो। सच में मालिक ऐसा हो सकता है? हाँ राजू मैं तुम्हारी एडमिशन रात के स्कूल में कर दूंगा। मालिक मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, मगर मालिक इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तेरे पास जब पैसे आएंगे ना तब लौटा देना, ठीक है? ये सब बातें सुन राजू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो रवि सेठ के पैर पड़ के उनसे आशीर्वाद लेता है और बोलता है कि, मालिक इस दुनिया में हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचा, मगर आपने हमारे लिए इतना सोचा यही बहुत है मेरे लिए। अब बातें ही करेगा या काम भी करेगा? काम करके जाना है स्कूल में, समझे?
सेठ जी यू करता हूँ काम, आप देखिए सिर्फ। ऐसा कहकर राजू अपना काम करने लगता है। वो जल्दी जल्दी दुकान के काम खत्म कर लेता है। अब स्कूल छूटने के समय पर राजू शिवानी को लेने चला जाता है और उसे घर छोड़कर फिर से दुकान पर चला आता है। अब दुकान का काम खत्म हो जाने के बाद वो घर चला जाता है। घर जाकर ये खुशखबरी सबसे पहले शिवानी को कब बताऊं, ऐसे उसे हुआ था। शिवानी, शिवानी। हाँ भैया, मैं यहाँ हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। देखो मुझे बुक्स भी मिले हैं। हाँ बहुत अच्छे है बुक्स। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है। क्या भैया? अब मैं भी स्कूल में जाऊंगा, वो भी रात के स्कूल में। काम करके स्कूल में पढ़ाई करूंगा। सच में भैया, तुम भी पढ़ाई करोगे, कितना अच्छा होगा। मैं बड़ी बनने के बाद तुम्हें काम नहीं करने दूंगी भैया। हाँ शिवानी, तू बड़ी बन के क्या बनेगी? भैया मैं बड़ी बन के डॉक्टर बनूंगी। बहुत अच्छे मेरी बहना, तू खूब पढ़ाई कर, बाकी का सब मैं देख लूंगा। चल अब हम खाना खाते हैं और मैं स्कूल जाकर आता हूँ। हाँ भैया। ऐसा कहकर राजू और शिवानी खाना खा लेते हैं और राजू स्कूल में चला जाता है। अब स्कूल में जाकर राजू को बहुत अच्छा लगता है, वो मन लगाकर पढ़ाई करता है। ऐसे ही अब कुछ साल बीत जाते हैं। राजू 12वीं कक्षा पास कर लेता है और शिवानी 9वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर लेती है। राजू को 12वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स मिलने की वजह से उसे किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था। अब राजू इंजीनियरिंग करना चाहता था, मगर पैसों की वजह से वो डिग्री कॉलेज में एडमिशन कर लेता है। राजू अब कॉलेज में जाया करता था। उसी के साथ राजू अब दुकान भी पूरी तरह से संभाल रहा था। रवि सेठ को अब राजू पर पूरा भरोसा हो गया था, इसीलिए रवि सेठ ने एक और दुकान खोलकर वो दूसरी दुकान चलाते थे और ये दुकान राजू संभाला करता था। शाम के समय सारा हिसाब रवि सेठ को देकर राजू हर रोज घर आता था। अब रवि सेठ की दुकान बहुत अच्छे चलने लगी थी, इसीलिए रवि सेठ राजू पर खुश थे। अब कुछ दिनों में शिवानी भी 10वीं में पहले नंबर से पास हो जाती है। राजू को बहुत खुशी होती है। राजू शिवानी को डॉक्टर बनाना चाहता था। उसे डॉक्टर बनाने के लिए राजू को बहुत सारे पैसे जमा करने थे, इसीलिए राजू अब थोड़े थोड़े पैसे जमा करने लगा। अब राजू डिग्री पूरी कर लेता है। अब वो नया जॉब ढूंढ लेता है, उसे अच्छी पगार की नौकरी मिल जाती है। अब राजू दुकान की नौकरी छोड़कर कंपनी में काम करने लगता है। शिवानी अब 12वीं की कक्षा पास होकर उसका जिले में पहला नंबर आता है। स्कूल में शिवानी का सत्कार होता है। शिवानी घर चली जाती है, तब राजू मिठाई लेकर घर आता है। शिवानी को देख उसे बहुत खुशी होती है। वो शिवानी से, शिवानी आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने आज 12वीं कक्षा में जिले में पहला नंबर लाकर मेरा सर ऊंचा कर दिया है। ये सब आपकी वजह से हुआ है भैया। चल अब मिठाई खा। तुम भी खाओ ना भैया। कुछ महीनों बाद शिवानी का एडमिशन MBBS के लिए हो जाता है। अब कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। शिवानी अब डॉक्टर बन जाती है और एक अच्छे हॉस्पिटल में जॉब भी कर रही है। राजू रवि सेठ को ये खुशखबरी देने के लिए उनके दुकान में चला जाता है। मालिक, कहाँ हो मालिक? आओ राजू, कैसे आना हुआ आज? मालिक, शिवानी डॉक्टर बन गई है, इसलिए आपको मिठाई देने आया था। ये बहुत अच्छा हुआ है राजू, आखिर तुम्हारा सपना पूरा हो ही गया। हाँ सेठ जी, ये लीजिए मिठाई। ऐसा कहकर राजू सेठ जी के हाथ में मिठाई का बॉक्स रख देता है और जाने के लिए निकलता है। तभी सेठ जी चक्कर आकर गिर जाते हैं। उन्हें देख राजू उन्हें उठाने की कोशिश करता है, मगर वो बेहोश हो जाते हैं। राजू उन्हें जल्दी हॉस्पिटल में लेकर जाता है। शिवानी उन्हें देखकर बताती है, भैया इन्हें हार्ट अटैक आया है, अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनके घर वालों को बताना पड़ेगा। मैं उन्हें बताता हूँ, तू इनको ऑपरेशन करने की तैयारी करो जल्दी। राजू रवि सेठ के घर फोन कर सारी बात बता देता है। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी और उनका बेटा वहाँ आ जाता है। अस्पताल में उनका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन होने के बाद उनके पास उनकी पत्नी, बेटा, राजू और शिवानी थी। अब रवि सेठ को होश आ जाता है। अब आपको ठीक लग रहा है? हाँ डॉक्टर, अब मुझे ठीक लग रहा है। आप अब आराम कीजिए। राजू, मैं इस अस्पताल में कैसे? मालिक, आपको चक्कर आ गया था, इसलिए आपको मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, तो तभी पता चला आपको हार्ट अटैक आया है। अब आपका ऑपरेशन हो चुका है, और हाँ, आपका ऑपरेशन शिवानी ने ही किया है। राजू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम दोनों ने मेरे लिए कितना किया। सेठ जी, आपने जो हमारे लिए किया उसके बदले में ये तो कुछ भी नहीं है। मैं आपके ठीक होने तक दोनों दुकान संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आपने हमारे लिए जो किया है वो तो हम बता भी नहीं सकते, आप हमारे भगवान हैं सेठ जी। आप आराम कीजिए, किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। रवि सेठ अपनी पत्नी शीला से, देखा शीला, इन बच्चों ने मेरे लिए कितना किया है। हाँ जी,
इन बच्चों ने हमारे लिए बहुत किया है। मैं तो इनका शुक्रिया कर रही थी, तो बोलते हैं कि अपनों से कोई शुक्रिया कहता है क्या। हमें आज एक और बेटा और बेटी मिल गई जी। हाँ शीला, तुम सही कह रही हो। आज से हम इन दोनों को हमारे घर में रहने के लिए बुलाएंगे। हम एक परिवार बन के रहेंगे। आपने मेरी मन की बात कह दी जी। राजू, तुम और शिवानी मेरे घर हमेशा रहने के लिए आ सकते हो, मेरा बेटा और बेटी बन के। ये सब बातें सुन राजू और शिवानी की आंखें भर आई। उन दोनों को आज परिवार मिल गया था। देखा दोस्तों, मन में अगर ठान ले तो हम नामुमकिन चीज हासिल कर सकते हैं। हमारे हौसले उतने बुलंद होने चाहिए। राजू ने अपनी बहन को डॉक्टर बनाया उसके सपनों की वजह से। गरीब होने से कुछ नहीं होता, हमारे इरादे बुलंद होने चाहिए। इरादे अगर बुलंद हो तो हमें हमारी उड़ान जरूर मिल जाती है और उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी मिल जाता है।